आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भगवान में बहुत करुणा है। भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धोया। सुदामा बड़े दिन बाद आए हो, अब भगवान ने भोजन करवाने को बैठाया, 56 भोग, स्नान करवाया, कपड़े दिए, 56 भोग करवाया। तो आज सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे, क्यों? कल तक भोजन नहीं थे तो भूख लगी थी, आज भोजन है सो भूख गायब। अक्सर ऐसा होता है, सुदामा जी मनी मन भूख को गाली दे रहे, अरे बावरी तुम भी बड़ी पागल है, धांधली है, जब भोजन नहीं था तब तू सताती थी, आज 56 भोग है सो भूख नहीं, फिर भी कुछ पाया। भगवान अपने अंतापुर ले गए, जहां भगवान विश्राम करते थे वहीं सुदामा को विश्राम कराया, चरणों को लिया और दबाने लगे। सुदामा तुम तो बचपन से ही बड़े धैर्य गंभीर वैराग्य की बातें करते थे, शादी वादी भई गए ऐसे ही घूम रहे? सुदामा जी से रहला के बोले भई तो है। अब सुदामा जी ने पूछा, ए कन्हैया तुम बचपन से ही बड़े चपल चंचल नटखट थे, तुम्हारी शादी वादी भई गए ऐसे ही हो? भगवान बोले भई के नहीं भई मिलाई लो। भगवान बोले जितनी रानियां हैं बुलाओ। अब रानियां कौन, एक दो हैं। पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सत्यभामा जी आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी इशारों करके बोले दो 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 दो, इतने तो एक ही दो दो। भगवान बोले अबे तो नंबरिंग चल रही, श्री गणेश है अबे का है। सुदामा जी बोले मतलब? भगवान बोले आप तो आशीर्वाद दो, जितनी आए सब हम आए। सुदामा जी बोले का कह रहे? भगवान बोले आप हका लेने देव आशीर्वाद। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 8-10 राजा हैं, राजाओं के तो 8-10 होती हैं। अच्छा सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, 40-50 का आशीर्वाद। सुदामा जी बोले भैया जे बता है कितनी? भगवान बोले गिनती से क्या लेना देना, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 100-150। और जब सुदामा जी ने नजर लगाई, यार लंबी लाइन लगी, घूंघट डाल के सब लेन में लगत जा रही। सुदामा जी बोले जो बता भैया जी तेरी आए के पूरे गांव भर की बुला ले। भगवान भी कम मजाक की नहीं, भगवान बोले सुदामा जी जितनी ये घूंघट डाल रहे हैं सब अपनी रजिस्ट्रेशन में, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोचा कितनी होगी, 150-200। अभी दे सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सांस फूल गई सुदामा जी की, बोले भैया जी बताते जिंदगी भर विवाह ही करत रहो का, और कछु नहीं करो। भगवान बोले अब क्या बताएं, वो तो हो गए, अब हो गए सो हो गए, अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। आपने कुछ को दे दिया बाकी को नहीं दिया, आपत हो जाएगी महाराज, हमारी लड़ाई हो जाएगी, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। सुदामा जी बोले भैया हमें लग रहा कि आज हमें आशीर्वाद देते ही दे चलो जाने। अरे नहीं महाराज, कैसी उल्टी बातें करते हो, आप तो आशीर्वाद बांटो। सुदामा जी बोले ठीक है, और होंगी 1000। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सौभाग्यवती गायब, पुत्रवती गायब, धनवती गायब, अब तो भवा 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 भवा। 1500-2000 लो तो चले ही हो। सुदामा जी ने देखी लेन घटवे की जगह बढ़ रही, घटो चाहिए बढ़ रही। सुदामा जी बोले भैया लेन तो फिर लंबी हो गई। भगवान बोले अपनी है अपनी। सुदामा जी बोले जय हो महाराज। सुदामा जी बोले एक काम करो, कोई बीच का उपाय निकालो। भगवान बोले क्या? सुदामा जी बोले सबके बदले आप आशीर्वाद ले लो, तुम बांटत रहियो।
हमें तो नहीं अब दे पाओगे। भगवान बात मान गए, भगवान ने साष्टांग दंडवत किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो गए, चिरंजीवी हो, सदा विजय रहो। और जहां आशीर्वाद मिला, भगवान मुस्कुरा पड़े, बोलो द्वारकाधीश भगवान की।